हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों को आज मैं कुछ प्लांट ऐसे दिखाऊंगी जो इस सीज़न में काफ़ी हैप्पी हैं और बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी तरफ इतना ब्यूटीफुल मौसम है और इस मौसम में सारे प्लांट बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि आजकल बारिश बहुत बनी हुई है यहाँ पे लखनऊ में और आए दिन बारिश होती है। इस समय तो रोज़ाना हो रही है और आप लोग प्लांटों की हालत देख सकते हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है इनमें और इतना अच्छा, मतलब जो है सारे प्लांट बहुत अच्छे हुए हैं। और ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं और कितनी फ्लावरिंग कर रही हैं। तो आज मैं अपना कुछ गार्डन में प्लांट दिखाऊंगी, जो मेरे गार्डन में कुछ प्लांट हैं ऐसे जो मैं दिखाऊंगी, जो मतलब लमसम सभी दिखाऊंगी, ये ना समझिएगा कि मैं कुछ ही प्लांट दिखाऊंगी, तो बहुत कुछ प्लांट ऐसे दिखाऊंगी जो आप लोग देखेंगे जिनकी हालत पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस सीज़न में इस बारिश में काफ़ी अच्छी हो गई है। हिबिस्कस का जो प्लांट है मेरा, ये वही प्लांट है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था और अब इसकी कंडीशन देख सकते हैं। और यहाँ पे मौसम देखिए, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे मौसम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इतना मतलब हर तरफ ग्रीनेस है, ग्रीन है और हर तरफ हरियाली है, इतना बारिश वाला मौसम बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है। आप लोग इस मौसम में ज़रूर इन्जॉय करिए। तो मैं आज कुछ टॉपिक लेकर तो नहीं आई हूँ, लेकिन आज मैं प्लांट दिखाऊंगी अपने कुछ प्लांट, क्या सभी प्लांट दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी उनकी ग्रोथ हुई है। और कुछ कटिंग्स दिखाऊंगी मैं, जो आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है, बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगा रखी थी। और कुछ मैं खाद के बारे में बताऊँगी, मतलब आज का वीडियो ऐसा होने वाला है कि मिला जुला टॉपिक होगा, सारे टॉपिक मतलब कटिंग के बारे में मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी प्लांट के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी, और खाद के बारे में बताऊंगी और खाद बनाना भी आप लोगों को बताऊंगी मैं और दिखाऊंगी भी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है बहुत सारे टॉपिक का मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कटिंग को कैसे लगाते हैं, कटिंग अपडेट दिखाऊंगी और प्लांट दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट इस मौसम में कितना हैप्पी हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है उसमें और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ और वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ हिबिस्कस के प्लांट को, आप लोग देख सकते हैं इधर मधुमालती का प्लांट लगा हुआ है, ये वही प्लांट है दोस्तों जिसकी मैंने प्रूनिंग किया था, बहुत हार्ड प्रूनिंग किया था। तो अब देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, ये देखिए इतना घना हो गया है, ये इसकी ब्रांचें यहाँ तक आ गई हैं, ये देखिए यहाँ तक हो रही है इसकी ब्रांच, बढ़ती जा रही है, नए नए पत्ते ये देखिए निकल रहे हैं और काफ़ी ग्रीन है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है और काफ़ी घना निकल रहा है, क्योंकि मैंने इसकी बहुत हार्ड प्रूनिंग किया था, आप लोगों को वीडियो भी मैंने पहले दिखाया था। और इसके नीचे रखा हुआ ये बोगनवेलिया, ये पिंक कलर का बोगनवेलिया है, और बोगनवेलिया में मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था कि इसमें भी मधुमालती के कुछ प्लांट अलग से निकल आए हैं। तो ये देखिए ये बोगनवेलिया के जो पॉट में, ये जो है मधुमालती के दो तीन प्लांट है, ये देखिए ये निकल आए हैं, पहले भी मैंने दिखाया है आप लोगों को वीडियो में। तो इतना घना हो गया है ये प्लांट, यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा घना है, इसमें फ्लावरिंग कम हो रही है लेकिन काफ़ी सुंदर है प्लांट, ये काफ़ी घना निकला है और काफ़ी अच्छा है। मधुमालती का प्लांट भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बांध दूँगी, यहाँ पर इधर बांध दूंगी तो ये ऊपर को चढ़ता चला जाएगा, ये बेल होती है मधुमालती की, ये ऊपर को मुझे चढ़ाना है, तो मैं कुछ देखूंगी, कोई डंडा लगा के इसको ऊपर को ऐसे बांध दूंगी तो ये ऊपर को चढ़ता जाएगा। तो इसमें अभी तो फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि इस समय इसकी फ्लावरिंग रुक गई है, इसकी फ्लावरिंग समर सीजन में होती है, जब मई जून का महीना चलता है तब इसके फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है दोस्तों।
और अब चलिए ये हिबिस्कस का प्लांट है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, हिबिस्कस का प्लांट मेरा इतना अच्छा हो गया है कि मुझे मतलब सारे गार्डन में ये प्लांट बड़ा अच्छा लगता है। देखिए कितना घना हो गया है, पूरा एक पेड़ बनता जा रहा है। और इसमें कलियां आप देख सकते हैं, ये देखिए कलियां बनी हुई हैं इसमें, इतनी सारी कलियां बन रही हैं। पहले तो मेरे प्लांट में कोई कली नहीं बनती थी, आप देख सकते हैं हर टहनी पे दो दो कलियां बनी हुई हैं और काफ़ी सुंदर प्लांट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे कलियां, इतनी सारी कलियां बन रही हैं, ये जब खिलेगा तो इतना सुंदर ये प्लांट पूरा लगेगा। आप देख सकते हैं छोटी छोटी ये भी, ये देखिए कलियां बन रही हैं, हर टहनी पे दो दो कलियां बनी हुई हैं। तो ये प्लांट भी मेरा काफ़ी सुंदर हो गया। ये देखिए इधर देख सकते हैं आप कितनी सारी कलियां बनी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गुड़हल की कलियां जो रेड कलर का देसी वाला होता है, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। बहुत सारी फ्लावरिंग इसकी होने वाली है दोस्तों, तो काफ़ी सुंदर प्लांट है ये। और इधर भी छोटे छोटे प्लांट रखे हुए हैं, हिबिस्कस के हैं सारे, अलग अलग कलर के हैं, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और इधर मोगरे का प्लांट है, आप देख सकते हैं मोगरे में, ये देखिए ये कैसी बड़ी से बड़े बड़े से पत्ते निकलने लगे हैं मोगरे प्लांट में, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, मतलब बारिश का पानी पड़ता है तो पेड़ों में जान आ जाती है। और इतनी सुंदर इसकी जो है ग्रोथ हो रही है, देखिए एक डाल पे यहाँ पर फूल ही फूल खिले हुए हैं, ये देखिए तो पूरा देखिए घना हो गया है, पॉट नहीं दिख रहा है, इतना घना हो गया है। इसके पत्ते देख सकते हैं आप, ये मोगरा प्लांट, ये वही मोगरा प्लांट है जिसको मैंने प्रूनिंग भी किया था, इसकी रूट्स की प्रूनिंग किया था और आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो आप लोग देख सकते हैं इस मौसम में यहाँ पे कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है और कितने अच्छे पेड़ों की कंडीशन हो गई है। और ये देखिए ये फाइकस है, ये वही फाइकस है जिसकी मैंने प्रूनिंग किया था, और इसमें देखिए नए नए पत्ते निकलने लगे हैं, ये देखिए छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी भी हो रही है। और ये काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने इसको प्रूनिंग कर दिया था, प्रूनिंग जब किया था तब आपको दिखाया था, पूरा वीडियो दिखाया था। और आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ से प्रूनिंग किया था, बहुत सारी ब्रांचें मैंने इसकी काट दिया था, तो यहाँ पर पूरा झुंड बना रखा हुआ पेड़ों का, ये देखिए मैं दूर से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना गार्डन दिखाती हूँ कि इस मौसम में जो पीछे दिख रहा है यहाँ पे बदली है हल्की सी और ठंडा मौसम है कि इस समय पंखा चला के भी आराम से रहा जा सकता कमरों में इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद, लेकिन इस समय मौसम बहुत अच्छा है। ये हिबिस्कस के अलग अलग प्लांट रखे हुए हैं, अलग अलग कलर के हैं, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है इसलिए ये ऐसे ही रखे हुए हैं। जिसमें फ्लावरिंग हो रही है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मोगरे का प्लांट है, मोगरे का प्लांट पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं मोगरे के प्लांट में, और मोगरे की केयर भी बताई है करना आप लोगों को। तो इस समय जो सितंबर का महीना चल रहा है तो इस समय आप लोग इसमें खाद का यूज़ कर सकते हैं, मोगरे प्लांट में गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और जो है उसको गोबर की खाद सुखा के आप जो है ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है आप लोगों को, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इधर देखिए अडेनियम के प्लांट में फूल नहीं दिख रहे हैं और सारे पत्तियां दिख रही हैं पेड़ों में। ये वाला अपराजिता का है, इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं दोस्तों हो रही है, सब ऐसे ही रखे हुए हैं। अब मैं धीमे धीमे अपना जो है गार्डन सही करूंगी, सही लुक में लाऊंगी। तो इधर का ये पोर्शन पूरा है और ये मेरी बेटी खड़ी हुई है वहाँ पर घूम रही है, तो इधर का गार्डन आप लोगों ने देखा। अब चलिए मैं दूसरे साइड का दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रखे हुए हैं, इधर के कुछ गुलाब हैं तो काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ फूल खिले ही रहते हैं प्लांटों में। और ये अजवाइन का पेड़ है और इसकी ग्रोथ नई नई शुरू हो गई है, पुरानी ग्रोथ इसकी सूख गई है बिल्कुल। ये देखिए ये पुरानी ग्रोथ इसकी नीचे दब गई है और नई नई ग्रोथ इसकी शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छे प्लांट हो गए हैं दोस्तों। ये भी मधुमालती एक मैंने तैयार किया था कटिंग से। और ये आपको याद होगा मैंने जो है डिफिन बेचिया की जो कटिंग है वो मैंने लगाया था, तो आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया था और सिर्फ इसके डंडे थे सीधे सीधे तब मैंने लगाया था। अब इनकी ग्रोथ देख सकते हैं और इसमें पत्ते भी निकल गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सीमेंट के गमले में लगाया था दोस्तों, ये देखिए
ये देखिए नीचे से भी इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, कई पत्ते निकले हुए हैं, नीचे से ग्रोथ हो रही है। तो इसकी इसकी जो कटिंग है, कटिंग का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो आप लोग इसी तरह डिफिन बेचिया की जो कटिंग है वो लगा सकते हैं। ये देखिए ये संजीदिया का प्लांट है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, एकदम ग्रीन हो गया है। और इधर भी गुड़हल का है, ये पता नहीं कौन सा गुड़हल है, देसी है कि कौन सा है। इधर सब गुलाब के पेड़ रखे हुए हैं। मुझे अपना गार्डन सही करना है, जब टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर सही करूँगी। ये देखिए फूल कितने सुंदर हैं। ये एरिका पाम है जो मैंने लगाया था, सेफलेरा के दो प्लांट लगाए थे, ये भी आप लोगों को दिखाया था। आप लोग इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। तो मैं खाद के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खाद मैंने, देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, इसमें जो किचन वेस्ट हमारा निकलता है उसका मैंने बनाया है। और ये मैं एक दिन और रखा रहने दूंगी, उसके बाद में इसको एक दिन बाद मैं इसको सारे प्लांटों में पानी में मिला के इसको देती रहूँगी। ये फर्टिलाइज़र बनाना बहुत आसान है, आपको जो किचन वेस्ट निकलता है इस तरह से पानी में डाल के एक बाल्टी में कहीं किनारे रख देना है, उसको पूरा ढकना नहीं है, थोड़ा सा ढक देना है, थोड़ा सा खुला उसको छोड़ देना है, और कम से कम 2 या 3 दिन तक रखा रहे, उसके बाद आप सारे प्लांटों में डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये क्रिसमस ट्री है, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो आज दिखाने का मकसद यही था दोस्तों कि आज जो मौसम आज 4-5 दिन से बना है तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना गार्डन ही दिखाती हूँ। ये देखिए ड्रेसिना की है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था तब आप लोगों को दिखाया। तो इधर सब जेट का कलेक्शन रखा है, आप लोगों को मैंने जेट प्लांट पहले भी दिखाया है लेकिन इन दिनों काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसका दोस्तों मुझे नाम नहीं पता चल रहा है लेकिन इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगी, इसको सही कंडीशन पे लाऊंगी। काफ़ी घास और जम गई है, बारिश के दिनों में गमलों में बहुत जल्दी घास उगती है। तो ये सब जेट का प्लांट है और देखिए इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छी ग्रोथ हुई है, काफ़ी अच्छी ब्रांचें इसकी, इतना घना हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। छोटे छोटे पॉट में भी मैंने लगाया है, ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा बोंसाई की लुक में देना चाहा था लेकिन ये बारिश के दिनों में काफ़ी घना हो गया है, अब इसको मैं फिर से ठीक करूँगी। तो इधर सब जेट प्लांट का कलेक्शन। अब चलिए मैं आपको अपनी कटिंग्स दिखाती हूँ पेड़ों की जो मैंने लगाई थी। तो ये कटिंग्स लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। और सबसे नई बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कनेर की कटिंग मैंने बहुत बार लगाई लेकिन कनेर की कटिंग मुझसे नहीं लगी, सारी कटिंग फेल हो जाती थी, लेकिन इस बार मैंने लगाई है तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये देखिए इसमें मैंने बहुत सारे कलर की कटिंग लगी हुई हैं, कम से कम वाइट है, पिंक है, डार्क पिंक है, रेड है, जो डार्क रेड कलर के फूल खिलते हैं, बहुत सारे कलर के कनेर के जो कटिंग है वो मैंने लगा रखी है। देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, इसमें भी कनेर की ही लगी है, और ये देखिए ये भी कनेर की ही लगी है, इसमें नई नई जो है ब्रांचें निकलने लगी हैं, नई नई ग्रोथ हो रही है। और इधर भी लगी हुई है, ये देखिए छोटे छोटे पत्तियां इसमें दिख रही होंगी, तो ये सब कनेर की कटिंग लगाई थी मैंने। और ये देखिए इसमें भी एक कटिंग चल रही है, ये वाली कटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, ये देखिए। तो ये भी कटिंग कनेर की हमारी अच्छी चल रही है और काफ़ी अच्छे, देखिए कटिंग के सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। सारी कटिंग मैंने आप लोगों को लगाना बताया है। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए ये वही तुलसी के प्लांट हैं जो हमने इसको जो है बालकनी में रखा था और गिलहरी या चूहे मेरे सारे तुलसी के प्लांट को खा लिए थे। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, देखिए इनकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने उठा के इनको टेरिस पे रख दिया था। तो देखिए काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है, ये सारे तुलसी के प्लांट हैं। तो अब इस समय इनकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी चल रही है, समय नई नई पत्तियां आ गई हैं, नई नई ग्रोथ हो रही है, नई नई ब्रांचें निकल रही हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है तुलसी के प्लांट में। तो इनको मैंने टेरिस पे ही अभी रखा है, अभी मैंने नीचे नहीं रखा है, नीचे मेरे यहाँ गिलहरी और चूहे बहुत आते हैं तो थोड़ा सा फिर से डर लगता है। और बहुत सारे तुलसी के प्लांट मैंने लगा रखे थे, सबकी पत्तियाँ चूहे ने खाई बहुत सारी। ये देखिए ये भी तुलसी का प्लांट है, ये देखिए ये भी तुलसी का है और इसमें भी देखिए ये दो डंडियाँ सूख गई हैं और ये बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है।
तो ये सब जो है हिबिस्कस के लगे हुए हैं। ये फाइकस देखिए मेरा कितना बड़ा हो गया है, ये भी क्रोटोन का है जो लंबी पत्तियों की रिपोर्टिंग किया था। ये काफ़ी सदमे में चला गया था तो मैंने इसको बहुत छोटा सा कर दिया था काट के, तो अब इसमें नई नई ग्रोथ हो रही है दोस्तों, लग जाएगा ये, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यही सब मेरे प्लांट हैं और इसमें आप लमसम देख सकते हैं सभी ग्रोथ हो रही है। और फाइकस की दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये फाइकस वही है जो छोटे छोटे से प्लांट मैंने आप लोगों को लगाना बताया था, प्रूनिंग किया था, तो आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। ये देखिए फ्रूट भी देने लगे हैं, है छोटे छोटे से इसमें निकलते हैं फाइकस प्लांट में, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये कुछ प्लांट मैंने लगाया था और ये देखिए ये बोगनवेलिया है जो छिपा रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ कर रहा है। ये था कुछ मेरा गार्डन मैंने आप लोगों को दिखाया। और एक चांदनी का प्लांट भी दोस्तों है जो मैंने बहुत मेहनत से लगाया था, ख़रीद के लगाया तो नहीं चला लेकिन मैंने कटिंग से तैयार किया था, तो बहुत अच्छा ये देखो ग्रोथ कर रहा है, इसकी जड़ें भी काफ़ी अच्छी निकल रही हैं और प्लांट भी काफ़ी। तो दोस्तों ये था कुछ गार्डन का अपडेट मैंने आप लोगों को दिखाया, तो कैसा लगा। तो और भी एक बात मैं बताना चाहती हूँ आखिरी में कि आप लोगों को अगर इस समय खाद सितंबर के महीने में खाद देनी है सभी प्लांटों को, आप जो है गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर जो है उसको जैसे गोबर की खाद को सुखा के आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 1 इंच मिट्टी निकाल के गोबर की खाद को आप इस समय सारे गमलों में दे सकते हैं। और जो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बताया है मैंने वो आप दे सकते हो। अगर पेड़ों में इस समय कोई कीड़े लगे हैं या कोई फंगल अटैक कर रहा है या कोई मिली बग वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है तो नीम का जो मैंने नीम की पत्तियों का फर्टिलाइज़र बनाना बताया है आप लोग वो इस्तेमाल करिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस समय प्लांटों के लिए। आप सारे प्लांटों को हर 15 दिन पर दे सकते हैं, हर 15 दिन पर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग इसी तरह अपने प्लांटों की केयर कीजिए। और इधर का मौसम दोस्तों फिर से दिखाना चाहती हूँ, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बारिश वाला मौसम बना हुआ है। इतनी बदली है इधर, काला काला मौसम आप देख सकते हैं, पूरा मौसम इधर बारिश वाला है। तो आप लोग इस मौसम को एंजॉय करिए दोस्तों। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।